हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को चावल बनाना सिखाएंगे, वो भी देसी चूल्हा पर। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें पड़ रहा है 200 ग्राम रिफाइंड, पड़ रहा है। अब इसको गरम करेंगे दोस्तों, रिफाइंड गरम हो रहा है। अब इसमें कुछ खड़ा मसाला डालेंगे, काली मिर्च हो गया, जीरा, थोड़ा सा तेज पत्ता डालेंगे। अब इसको भून देंगे। उसके बाद इसमें 18 जग पानी पड़ेगा। 15 किलो चावल हमारा इससे तैयार होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं पानी पड़ रहा है अभी। दोस्तों पानी इसको चला देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें नींबू डालेंगे। नमक डालें दोस्तों स्वाद अनुसार। दोस्तों इसमें नींबू ऐड कर रहे हैं, जिससे चावल एक में चिपकेगा नहीं, वो बहुत अच्छा खुला बनेगा। ये देसी स्टाइल दोस्तों घर पर बनाए। अब हलवाई वाले भैया हमें सिखा रहे हैं चावल बनाना, जो कि ये पुराना चावल था। इसको चला कर दोस्तों इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। दोस्तों ढक्कन लगाया जा रहा है। ये देखो दोस्तों चावल है, जो चावल को धुलवा दिए हैं दो पानी। ये पुराना चावल, घर का चावल है। देखो दोस्तों इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है धीरे धीरे। अब इसको कुछ देर और ढक देंगे। अब दोस्तों देखो इसमें ज़्यादा उबाल आने लगा। जब ज़्यादा दोस्तों एकदम ज़्यादा उबाल आने लगेगा, तब उसके बाद दोस्तों इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। ये 15 जग चावल है दोस्तों, 15 किलो चावल है ये, जो कि पुराना चावल है एकदम घर का। तो आप देख सकते हैं इतना चावल ऐड हो गया है दोस्तों। ये चावल देसी स्टाइल में बन रहा है, जो आप घर पर बनाएंगे आसान तरीके से, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। चावल जो शादी में है ऐसे चावल बनाते हैं दोस्तों। आप अपने घर पर ही सीख सकते हैं। आप घर पे जैसे शादी है या बर्थडे है, कुछ काम है, तो आपके पास अगर हलवाई की व्यवस्था नहीं तो आप खुद बना सकते हैं दोस्तों खाना। अब इसको चला दे रहे हैं बढ़िया से, ताकि सब चावल अच्छे से नीचे बैठ ना जाए। उसके बाद इसको चलाते रहना है कुछ देर। चलाने से ये होगा कि अब इसके दोस्तों ढक्कन लगा दिया जा रहा है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रोके थे, फिर इसके बाद देखो दोस्तों चालू चलाने लगे, इसमें से भाप निकलने लगा। इसको दोस्तों धीरे धीरे चलाते रहे, फिर ढक्कन लगा दिए, फिर निकाल रहे हैं 5 मिनट बाद। अब दोस्तों इस चावल को चलाते रहना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए, ताकि नीचे आराम से मतलब रख पकड़ ना ले। चलाते रहना है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका पानी सूख जा रहा है, और भी दोस्तों चावल कच्चा है। मैं चावल उठाकर चेक कर ले रहा हूँ दोस्तों, अभी कच्चा चावल है, अभी हुआ नहीं है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जब इसका पानी सूख जाए बढ़िया से। अब इसको दोस्तों देखो चावल का पानी सूख गया, थोड़ा थोड़ा और बचा है।
ये दोस्तों चावल बनाने का राज रहता है, लेकिन कोई हलवाई वाले भैया जल्दी सिखाते नहीं, हम तो इनसे सीखे हैं। अब दोस्तों देखो चावल एकदम अच्छे पूरी तरीके सूखा हो चुका है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दिए हैं, इसको उतार दिए नीचे, और नीचे ईंटा रख लेना तीन, उसके ऊपर देखो दोस्तों बाल्टी से पानी भरकर ताकि इसमें से भाप ना निकल पाए, नहीं चावल पकेगा नहीं। अब दोस्तों देखो चावल हमारा 20 मिनट बाद खोले हैं, चावल पक चुका है एकदम बढ़िया फर, आप देख सकते हैं कि घर पर आप इतने आसानी तरीके से बनाएंगे कि एकदम फर चावल जो खाएगा तो ये बोलेगा कि कैसा चावल बना दिया, एकदम फर कि जो इसमें चिपकेगा नहीं। दोस्तों हमारा चावल गर्मा गर्म तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा चावल बन गया है। एकदम फूला फूल की तरह एकदम फूल गया चावल, एकदम अच्छा चिपकेगा नहीं, एकदम बढ़िया वैरायटी का चावल बना है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इस चावल को उठाकर आपको चेक करा दे रहा हूँ, चाहे आप देख सकते हैं एकदम पूरा चावल हो गया है। और इसको दोस्तों ढक्कन हल्का सा लगा के छोड़ सकते हैं, नहीं तो चावल तो बन चुका है। और चावल बनाने में बहुत टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों 20 से 25 मिनट लगा है 15 किलो चावल में। अब आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करना है चावल बनाना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।